अपने आप को देखें मस्तक के बीचों बीच चमक रही मैं दिव्य मणि हूं। जैसे आकाश तले सितारा चमकता है, जैसे मानो डायमंड चमक रहा हो, शरीर को भूलते हुए पूरा ध्यान उस डायमंड पर फोकस करिए। धीरे धीरे स्वयं से बातें करिए, बड़े प्यार से बातें करिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी पहचान एक सितारे के रूप में है। जब भी मेरा नाम लिया जाता है, वास्तव में इमेज तो शरीर की ही बनती है, किंतु मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं एक स्टार हूं। आत्मा हूं। मस्तक के बीचों बीच निवास स्थान है मेरा। मुझ में यथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मैं जैसे कि सर्व शक्तियों का पुंज हूं। अब मैं आत्मा एक क्षण में इस शरीर से बाहर निकल उड़ने लगती हूं आकाश की ओर। चलें ऊपर की ओर, देखें अपने घर की ओर। मैं आत्मा सितारा उड़ान भर रहा हूं। चांद सितारों सूर्य के भी पार।
और ऊपर जाएं। देखें ऊपर परम धाम का प्रकाश मुझे खींच रहा है। मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में प्रवेश करती हूँ। परम धाम हम आत्माओं का मीठा घर, जहां चारों ओर गहन सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, अपने आप को परम धाम में देखिए, गहरी शांति में। जैसे कि पूरा परम धाम खाली हो, केवल मैं आत्मा और मेरे बाबा। मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें पड़ती हुई, ज्ञान सूर्य की गोल्डन रश्मियाँ मुझ आत्मा पर पड़ती हुई, ज्ञान सूर्य की योग अग्नि में मैं आत्मा तप रही हूँ।
बाबा की किरणों में जो योग की अग्नि है, वो अग्नि मुझ आत्मा को तपा रही है। उसकी तपन से मुझ आत्मा के विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा अपना प्रकाश धीरे धीरे और तीव्र करते जा रहे हैं। जैसे सूर्य के जितने आप करीब जाएंगे, उतनी उसकी गर्मी आपको अधिक अनुभव होगी और करीब जाएंगे तो वो सब जलाकर खत्म कर देता है। वैसे ही मैं आत्मा बाबा के करीब हूँ और मेरे अंदर 63 जन्मों के विकर्मों के जो दाग धब्बे हैं, उन्हें बाबा भस्म कर रहे हैं। देखिए परम धाम में बाबा की अग्नि से धधकता हुआ ज्ञान यज्ञ है। जिस यज्ञ में मैं अपनी सभी कमी कमजोरियों की आहुति देती हूँ, मुझ आत्मा में जो भी छोटे से छोटा दाग धब्बा है, जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो भी विकार के अंश हैं, वो सब इस यज्ञ में स्वाहा कर रही हूँ। देवान का स्वाहा, काम विकार का स्वाहा, क्रोध का स्वाहा, लोभ मोह अहंकार स्वाहा, सब जल रहे हैं। मैं आत्मा धीरे धीरे निर्विकारी अनुभव कर रही हूँ। मैं इस समय बेहद लाइट होती जाती हूँ। मैं आत्मा
एकदम शुद्ध प्योर बेदाग बन गई हूं। देखें शिव बाबा की चमक, अपनी चमक देखें। देखें धीरे धीरे मेरी चमक भी बाबा जितनी होती जा रही है। मैं बाप समान बन गया हूं। परमधाम में देखें भी धीरे धीरे सभी आत्माएं मैं देख पा रहा हूं। पूरा परमधाम आत्माओं से ऐसे चमक रहा है जैसे थाल में मोती रखे हों। जिस प्रकार मोती चमकते हैं ये सभी आत्माएं मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। ये सभी आत्मा भाई बाबा के करीब आ रहे हैं। देखें सभी सितारों को परम धाम में तैरते हुए। देखें परम धाम में ये सभी आत्माएं मिलकर आत्माओं का एक झाड़ बना रही हैं। और मैं आत्मा बीच शिव बाबा के पास बैठी हूं।
देखें परम धाम में आत्माओं का चार, बीच बाबा जड़ों पर ब्राह्मण आत्माएं देखें तने पर देवकुल की आत्माएं, बाकी टाल टालियों पर अन्य धर्मों की आत्माएं, पूरा कल्प वृक्ष आत्माओं से चमकता हुआ, बीज बाबा से सर्वशक्तियाँ और प्रेम का रस पूरे वृक्ष में फैल रहा है। हर एक आत्मा को ईश्वरीय प्रेम और शक्तियां प्राप्त हो रही है। संपूर्ण कल्प वृक्ष बहुत तेज चमकता हुआ, पूरा वृक्ष प्रकाशमान है। हर एक आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज में है।
बीज रूप शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सूर्य, उनकी पवित्र रश्मियाँ पूरे वृक्ष में फैली हुई, मैं आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी बाबा के बिल्कुल करीब, बस बाबा को निहारते हुए उनसे निकलता असीम प्रकाश पूरे वृक्ष में फैल रहा है। मैं आत्मा वहां से सूक्ष्म वतन में नीचे की ओर आती हूं, स्वयं को देखें लाइट की देह में, मैं फरिश्ता, ट्रांसपेरेंट बॉडी, मस्तक के बीच चमकता तेज, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, नैनों में तेज, दोनों नेत्र बल्ब की माफिक चमकते हुए, पूरा देह ट्यूबलाइट की माफिक चमकता हुआ,
सामने देखें बाप दादा खड़े हुए, हंसराज बाबा मुझ होली हंस को दृष्टि देते हुए। उनकी दृष्टि मेरी सृष्टि बदलती है। बाबा मेरे मस्तक पर विजय श्री का तिलक देते हैं, मेरे सर पे नौबरदानी हाथ रखते हैं। और मुझे वरदान देते हैं बच्चे, सदा प्रसन्न भव। सदैव स्वस्थ भव। निरंतर योगी भव। अब मैं धीरे धीरे नीचे की ओर आता हुआ, नीचे आए पंच तत्वों की देह में मस्तक के बीच में बैठकर पूरे विश्व को सकाश देंगे। देखें मैं मस्तक के बीच चमकती मणि, मेरा पवित्र तेज पूरे शरीर में फैलकर शरीर में जो भी विकारों का अंश भी है, दुर्गंध है, उसे भस्म कर रही है। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। ओम शांति।